2019 के इंटरव्यू दे चुके अभ्यर्थी हैं और हमारा जो इंटरव्यू है 19 अक्टूबर को खत्म हो चुका था। अब हम सब लोगों की एक ही मांग है कि हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाए, क्योंकि यह 2019 की भर्ती पिछले 5 वर्षों से अटकी हुई है और हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं। कई लोग हैं जो अब आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कुछ लोग तो उम्र दराज हो चुके हैं, उम्र निकल गई है, लड़कियों के सामने अब पारिवारिक चुनौतियां हैं। तो हमारे आयोग से यही मांग है कि हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जाए। हम 4 सालों से वेट कर रहे हैं, आखिर ये रिजल्ट कब आएगा, क्यों आयोग सुन नहीं रहा है। हमारे इंटरव्यू हुए 2 महीने बीत चुके हैं और आज भी हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम नहीं जारी किया गया है। हमारी यही मांग है कि हमारा अंतिम परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए। हम लोग करीबन इंटरव्यू दे चुके हैं, 1900 अभ्यर्थी हैं और हम लोग जो है, और ये जो भर्ती है 2019 की भर्ती है, आप खुद ही सोच लिए 2019 से आज 2023 हो गया है और 4 साल बीत चुके हैं। किसी भी परीक्षा में 4 साल बीत जाने का मतलब होता है कि उसमें शामिल हर अभ्यर्थी के साथ ये मानसिक प्रताड़ना है और अब हम ये एकजुट हो चुके हैं, हम ये मानसिक प्रताड़ना नहीं झेलेंगे। हमें हमारा रिजल्ट चाहिए, अंतिम रिजल्ट जारी किया जाए। नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री है, कितनी उम्मीदें हैं आपको? नई सरकार है तो नई सरकार को युवाओं के हित के बारे में सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि जो भर्तियां हैं उन्हें आप समय पे पूरा कीजिए, तभी तो प्रशासन में अधिकारी मिलेंगे। आप प्रशासन में देखते हो कि काम नहीं हो रहे, लेट लतीफी हो रहे, जब आप ज्वाइनिंग नहीं दोगे, नए सरकारी अधिकारी भर्ती नहीं करोगे तो काम कौन करेगा। आप देखो ना मध्य प्रदेश के हालत में 2018 में अंतिम नियुक्तियां हुई थी, अगर आज भी प्रशासनिक अधिकारी काम नहीं करेंगे तो विभाग के काम कैसे होंगे। इसलिए नियुक्तियां दो, रिजल्ट जारी करो। पर सरकार से मेरा यही निवेदन है, जो नव निर्वाचित सरकार है, कि आप हमारे बारे में कृपया सोचिए। आयोग 2019 भर्ती परीक्षा 4 साल से अधिक समय हो गया है और ये विद्यार्थी निरंतर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं, आयोग के पास आते हैं हर 2-4 महीने में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन बस संवैधानिक निकायों में इनको घुमा दिया जा रहा है। और कोई भी, अब देखिए 2018 से नियुक्ति नहीं दी आयोग ने, तो हमारी ये मांग है कि आप जल्द से जल्द नियुक्ति दें। 2023 खत्म होने की ओर है, 24 में हम प्रवेश कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि इतने सारे एस्पिरेंट अभी भी अपनी मांगों को लेकर बार बार आ रहे हैं, कोई भी इनकी मांग नहीं उठाता और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करें, ऐसी मांग हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।